अली 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 दिल आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मैंने आज सुबह सुबह ब्लॉग शुरू किया है, देखते हैं कब तक रहते हैं, मतलब ब्लॉग में कंटिन्यू, क्योंकि वो मेरी खिली खिली बगिया, इसके फूल देखो, मैंने कहा था ना कलियाँ आ रही हैं, कितना प्यारा फूल आता है इसका, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, कितना बड़ा सा सुंदर सा फूल है देखो। कम से कम दो तो खिलते ही हैं एक साथ, ये देखो है ना सुंदर। और चींटियों का झुंड देखो, ये देखो चींटियाँ, इसमें दिख नहीं रही, बहुत चींटियाँ हो गई हैं, ये मुरझा चुका है, लगा ना सुंदर फूल। ये टमाटर का पेड़ निकल आया है मेरे, इस पौधे को ख़राब कर देगा, वो सोचती हूँ हटा दूँ, इससे मैं मन नहीं कर रहा काम करने का। ये भी देखो सूखा सा का पेड़ खिल गया, कितने टमाटर के पेड़ निकलेंगे यार, एक देखो ये नन्ना सा निकल रहा है, टमाटर के पेड़ निकलने पड़े हैं, एक ये बड़ा सा इसमें है, दो तीन हो गए, इसमें तो फूल आते ही आते हैं रोज ढेर सारे। और इसका देखो ये बेबी प्लांट निकला हुआ है, इसको मुझे आज हटाना है, सबसे पहला काम करना है। और ये ख़त्म हो गया, आउट ऑफ सीजन हो गया, इनमें देखो सब में पत्तियाँ आ गई, दिख रही हैं, ये इतना घना हो जाएगा ना। और उसको दिखाया था ना उस दिन, देखो ये पत्तियाँ फोड़ गया, बहुत घना होगा फ्रेंड्स। ये ख़त्म हो गया, इसको रिपोर्टिंग ज़रूरी है। ये देखो चमेली के फूल, ये सब कुछ नहीं थे ना उस दिन, आज फूल ही फूल हैं, सब में फूल आ गई, ये देखो। तो बस फ्रेंड्स, हो गई बगिया, अब सूरज भगवान थोड़े ऊपर चढ़ गए क्योंकि 7:45 बज रहा है, 7:45 का टाइम है, लेकिन सुबह का नज़ारा खूबसूरत ही लगता है, बाकी तो पूरे दिन गर्मी ही रहेगी। और आज हम चलते हैं थोड़ा सा रोड का दिखाते हैं आपको, अभी आज सन्नाटा क्यों, बहुत सन्नाटा है। हाँ, और फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ दवा बनाने के लिए, मेरे पेट उखड़ गया, पेट बहुत उखड़ने लगा फ्रेंड्स मेरा ना पेट। ये पानी आ गया पार्वती अचानक से, एक गेहूँ पार्वती, ये क्या धूप निकली थी, एक भावली चीटी भी ढेर हो गई है, कुर्सी पे रख दो, ले यार दवाई बनवाने मुझे जाना, पानी बंद होगा तब जाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ है फ्रेंड्स। ओ पैदन उठा लो पर्दी पूरे, पैदन पैदन, मुझे ना बहुत तकलीफ है फ्रेंड्स, मुझे दवाई बनवाने जाना ही था, हल्का हल्का पहले मेरा उखड़ा हुआ था पेट, नाल उखड़ना बोलते हैं जिसे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट अभी परसों वाले दिन मैंने ना दाल की भरी हुई बोरी उठा ली, बहुत बड़ी बोरी थी, उसमें 22 किलो दाल थी, मैंने और डीएस ने पकड़ कर उठाई है, लेकिन उठा तो ली ना, तो मुझे ना पेट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूज मोशन आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ खाना खाने के बाद प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी देर के बाद, मुझे जाना है दवाई के लिए और पानी आ गया है, ज़्यादा देर नहीं रहेगा तो जाऊंगी, अभी अभी सो रहा है फ्रेंड। देखो मुझे दवाई बनवाने जाना, मैंने आप लोग को बताया है ना, और मैं उठा रही हूँ, उठ नहीं रहे हैं, चल रहा हूँ कर रहे हैं, उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ। 5 बजे किसने कहा था बताओ ना, क्यों सोए, ये भी बताओ कैमरे के सामने क्यों सोए 5 बजे, तुमने कहा था कि मेरा काम करके ही सोना, कितना बेशर्म झूठा आदमी है, काम करता रहा रात भर, ये सबकी प्रॉब्लम साफ करते हैं, ये इन्होंने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, तो सारी यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रात भर, ये तो कल भी रात को किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मेरे लिए थोड़ी कुछ करते हैं,
मुझे मेरे पति से कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझती। बस मुझे अपने काम से मतलब है। आप रात भर जगो चाहे जितनी टाइम जग जगो, मैंने आपको रात को बताया था कि मुझे दवा बनवाने जाना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उठ जाओ, अब उठ जाओ। आँख तो खुलने दो, आँख किस आधे घंटे से आँख नहीं खुल रही है साहब की। उठो, आँख खुलेगी, पानी डालोगे जब तब आँख खुलेगी, तब आँख खुलेगी। उठ के सीधे उठो, पानी डालो। यार पागल वागल क्रेक मैनों को देखो प्रिंस, ये आँख खोल रहे हैं ऐसे सोते सोते, आँख खोल रहे हैं। उठ जाओ सीधे, उठो। कैसे उठ गए? नहीं दिखाई दे रहा मुझे, आप लोग को दिख रहा है? फ्रेंड्स ही उठ गए कह रहे हैं। आप उठो जल्दी, इतना किया कि कोई डोरी ओरी सब निकाल के बैठे हो, पूरे कवर निकला है। गया था अरे मम्मी, फ्रेंड देखो आपके सामने है ये आदमी। अरे मम्मी क्या कुछ क्या कर दे, ये मुझे लाते मारा बहुत देर से अत्याचार कर रहा मेरे ऊपर। अरे मम्मी दिया तुरंत ही कैमरा में आ गई, पहले नंबर मट्ठा बेचा था काई। हां मट्ठा बेचा था। अरे हमारे घर में रखा मट्ठा, चलो अरे हम ले चलो। आ गई बिस्कुट लाओ। अरे का भाई, अले 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 अले, दुल्हन आ रही है, एकदम से भी दुल्हार दिखाने आ गई। बिस्कुट लाओ बाबा से। हां मुझे बेटू याद आने लगी, भैया को चढ़ी रहेगी, भैया को चढ़ी रहेगी। हम गाड़ी से उतरे हैं और इसको देखो आ गई है दुलराने। क्या हो गया, खुजली हो रही है? बिस्कुट नहीं खिलाना जाता इसको, कुछ और खिलाया करो डी एस की, इसे ना खुजली हो रही है, नुकसान करेगा। दुलराएगी दुलराएगी, दे दो दे दो, चक्कर लगा रही है। आज पार्वती से भी दोस्ती कर रही है। दे रहे हैं भाई, ला रहे। बोलिए जल्दी लाओ। जो गई उनके पास, देख वहाँ की जान वहाँ खड़े है ना, देख जान गई देने आए हैं, आ जाएगी साथ साथ। जान गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी तुरंत, जान उधर देख लिया ना उनने, बहुत तेज पहचानती है। मुझे दुला रहा था इसके ऊपर। आओ कल्ली, इधर आओ। ये इनका नाम भी कल्ली है ना। अच्छा चलो चलो, खोल के दो पकड़ करके। तो फ्रेंड्स ये ना संडे के दिन का ब्लॉग है, तो लंच में बन रहा था
सॉरी बनी थी मसूर की दाल, खड़ी मसूर जो होती है ना, तो मसूर की दाल तो जानते होंगे ना सब लोग फ्रेंड्स, तो वही बनी थी। तो हम उसमें तड़का लगा रहे थे, हमने कहा चलो आपके साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेशल तड़का लगता है अरहर की दाल और मूंग की दाल वगैरह से थोड़ा अलग, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखो ये कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और हमने डाल दिया है तेल, और मसाले में आपने देख लिया था वही धनिया मिर्चा हल्दी और गरम मसाला लिया था और टमाटर लिया हुआ है। तो देखिए तेल में हमने डाल दिया तेज पत्ता और जीरा से तड़का लगाया, और ये डाल दी हमने हरी मिर्च। हरी मिर्च फ्रेंड्स आप खाते हो तो डालिए, ना खाते हो तो स्किप कर दीजिए। और दाल को हम ऐसे ही सिंपल पका चुके हैं, मतलब बिना मसाले के सिर्फ नमक डालकर दाल हमारी पक चुकी है। ये देख लीजिए मसाले हमने तेल में डाल दिए और मसाले हम भून लेंगे तेल छोड़ने तक, फिर हम टमाटर डालेंगे इसमें। और फिर मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करके लगाया हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता इस वजह से, और मुझे ना रेसिपी अपने वीडियो में शेयर करनी है अब, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो पर एक रेसिपी आए, क्योंकि मैं सिंगल रेसिपी डालती हूँ तो वो लोग वॉच करते नहीं हैं ज़्यादा, और जब ब्लॉग के साथ डालती हूँ तो मेरे वीडियो की क्वालिटी बढ़ती है थोड़ा रेसिपी से, इसलिए मैं रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी कि हर वीडियो पर एक रेसिपी आए। तो ये देख लीजिए ये मसाला हमारा भून चुका है, तो हम इसमें अब बस टमाटर डालने की बारी आ गई है। देखो कितना बढ़िया से भुना है, तेल छोड़ दिया है एकदम, अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को बस थोड़ा बस मिक्स करके इसको हम बंद करके पकाएंगे, थोड़ा स्मूथ हो जाए टमाटर, और जब टमाटर भी थोड़ा तेल छोड़ देगा तभी हम इसमें दाल डालेंगे। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स ये दाल, मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ लगभग सबको पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि दाल नुकसान भी करती है ना ज़्यादा खाने में, तो कम ही मतलब खाते हैं। और ये हमने इसमें थोड़ा नमक और डाला है फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए हमारा मतलब ये तड़का लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं दाल, और दाल डालकर हम इसको 2 मिनट के लिए खोलने देंगे, फिर हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और हमारी दाल बनकर हो जाएगी तैयार। और फिर किसको किसको पसंद है ये वाली दाल कमेंट करके बताना, अच्छी लगती है क्योंकि मक्खन मक्खन डाल दीजिए फ्रेंड तो और अच्छी लगेगी, बट हमने नहीं डाला है। तो दाल हमारी अब रेडी हो चुकी है, तो बस अब इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती के बिना तो स्वाद नहीं होता है, और मुझे वैसे भी दाल सब्जी दोनों में बहुत पसंद है धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो न्यू मेंबर्स हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर वीडियो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अब आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।